आज इंदौर में फिर से रैली निकलती हुई, ये देखिए इंदौर में रैली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, वर्ग एक और वर्ग दो सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे श्री रंजीत गौर जी और जमीनी स्तर की टीम लगातार संघर्ष कर रही है। कल इंदौर के आंदोलन की मैं पूरी अपडेट लेकर आया था, आज जो हमारे जमीनी स्तर की टीम है, भाई बहन है, वो भोपाल कूच कर रहे हैं दोस्तों, उसकी पूरी अपडेट लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जिससे हमारी इस मुहिम को बल मिल सके। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं भोपाल समाचार में ये न्यूज़ प्रमुखता से आई है, इंदौर से भोपाल कूच करेंगे बेरोजगार, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह होगा। उच्च एवं माध्यमिक स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 सहित अन्य शासकीय नौकरियों को समय पर पूर्ण कराने के लिए प्रदेश के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार दीनदयाल पार्क के सामने राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ के नेतृत्व में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया कर दिया है। धरने के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे समस्त अभ्यर्थी द्वारा दीनदयाल पार्क से रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री जी के नाम SDM महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें स्थायी शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि के अलावा MPPSC, पुलिस, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य सभी भर्तियों को शीघ्र कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि अगर समय पर मांगे पूर्ण नहीं होती हैं, तब समस्त शिक्षित बेरोजगार इंदौर से पैदल मार्च करते हुए भोपाल पहुंचकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ श्री रंजीत गौर जी, आशा पटेल, आकांक्षा जी जैन, राकेश जैन जी, सिद्धांत कुमार जी, जितिन रावत जी, मुकेश मंडलोई जी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक भर्ती में अभी तक नाम मात्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है, जबकि सन 2018 में स्वयं श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने 62,000 शिक्षक भर्ती घोषणा की थी। OBC वर्ग से चयनित अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन में सम्मिलित होकर अपने लिए नियुक्ति पत्र की मांग की। 27% आरक्षण के चलते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5 विषय को होल्ड कर दिया गया है, जिससे पात्र अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद भी आज शिक्षक भर्ती से बाहर हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में सच्चाई के 5 विषय को जो है होल्ड कर दिया गया है दोस्तों। पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग की मांगों को लेकर कई बार अधिकारी व शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपे गए, परंतु हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है, इसलिए फिर से पात्र अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इससे पहले भी राजधानी भोपाल में कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान आदि विषयों में रिक्त पद कम दर्शाने से पात्र अभ्यर्थी में आक्रोश अधिक दिखाई दे रहा है। पात्र अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती की अगली काउंसलिंग में प्रथम चरण में उपेक्षित विषयों के रिक्त पदों में वृद्धि के साथ भर्ती पूर्ण कराई जाए, साथ ही साथ चयन सूची में जो नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 चल रही है, परंतु अभी तक पूरी नहीं हुई है और स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति विभाग दो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अक्टूबर से शुरू करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इस अभियान को दोस्तों सफल बनाएं। जितने ज़्यादा आप समर्थन करेंगे उतने ही चांसेस बन जाएंगे पद वृद्धि की दोस्तों। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज इंदौर में फिर से रैली निकलती हुई, ये देखिए इंदौर में रैली।